कॉलीवर थाना बिछवा पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्जन पदीय चोर गैंग के 20,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अलग सुबह ही गिरफ्तार किया है। पुलिस को अभियुक्त के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध असलाह, कारतूस व सोने चांदी के आभूषण भी मिले हैं। सबसे पहले हम आपको 20,000 रुपए के इनामी बदमाश और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ की मौके की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मौके पर घायल अवस्था में पड़ा यही वह साथी अभियुक्त है जिस पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित था और यह अंतर जनपदीय चोर गैंग का सक्रिय सदस्य था जो कि बीते दिनों पूर्व बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान फरार हो गया था। पुलिस लगातार इसका पीछा कर रही थी और आखिरकार थाना कुरावली एवं थाना बिछवा पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई के चलते वाहन चेकिंग के दौरान कुरावली अलूपुर अंडर बाईपास नहर से इसको मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में अपना नाम इरफान पुत्र लालदीन निवासी मोहल्ला कुंवरपुर थाना कुरावली मैनपुरी बताया है। अभियुक्त पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिला अस्पताल में पुलिस की अपेक्षा में अभियुक्त का उपचार कराया जा रहा है। वहीं बता दें कि मुठभेड़ के बाद तलाशी में पुलिस को अभियुक्त के पास से चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध असलाह व कारतूस एवं सोना चांदी के जेवरात भी मिले हैं। गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में जनपद मैनपुरी के थाना कुरावली, किसनी, कोतवाली, मैनपुरी, बरनाहाल और ओछा में हुई चोरी की घटनाओं को स्वीकार किया है। सुबह ही पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह पहुंचे थे जिन्होंने पूरे मामले की जांच पड़ताल की और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ को लेकर क्या कुछ बताया। जख्मी हुआ क्या कुछ मामला ये आज कुरावली प्रभारी निरीक्षक और यशो बिश्वा एक चेकिंग कर रहे थे कुरावली थाना क्षेत्र के आलूपुर गांव के अंडर पास के पास, जिसमें से एक अपराधी काली मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखा। उसको रोकने का प्रयास किया तो वो चकमा दे के भागने लगा। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो फायरिंग करने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की जिसमें से उसके पैर में गोली लगी है और वो पकड़ा गया है। उसका नाम जो पूछताछ में बताया है वो इरफान है जो कुरावली का ही रहने वाला है और ये इस पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। तो इसके पास से एक काले रंग की मोटरसाइकिल जो चोरी की है वो बरामद हुई है। उसमें कट्टा और कारतूस बरामद हुए हैं, साथ ही कुछ ज्वेलरी बरामद हुई है जो ये अपने जनपद के लगभग 8 थाना क्षेत्रों में जो इसके विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत हैं उसमें उससे संबंधित बताई जा रही है। इसके बारे में और पूछताछ की जा रही है। सर ये पता लगा कि अभी हाल ही में एक मुठभेड़ हुई उसमें भी पुलिस से मुठभेड़ हो चुकी है। हाँ, ये अभी 2 दिन पहले जो पुलिस मुठभेड़ हुई थी जिसमें एक मोहम्मद हासिम एक साथी अपराधी था जो पुलिस मुठभेड़ में उसके साथ 4 और लोग गिरफ्तार किए गए थे, उसी गैंग से संबंधित ये भी अपराधी है। इस पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया था।